राम राम जी, एजुकेशन नॉलेज टीवी में मैं देवपाल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे आप सभी? हरियाणा शिक्षा विभाग अभी अभी जारी किया है नया नोटिस। अभी की बड़ी खबर आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं। अगर आप जानना चाहते हैं क्या कुछ शिक्षा विभाग ने नोटिस रिलीज किया है तो वीडियो अंत तक देखिएगा। रिक्वेस्ट करूंगा इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, शिक्षा विभाग से जुड़ी प्रत्येक जानकारी सबसे पहले पाने के लिए। वीडियो लाइक जरूर कर दीजिए, इससे हमें आपका प्यार नेक्स्ट वीडियो के लिए मोटिवेशन मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं विद्यालय शिक्षा निदेशालय राज्य के सभी जिला शिक्षा अधिकारी, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी को ये पत्र लिखा गया है। डेट देख सकते हैं 22/5/2020। विषय में COVID-19 के 10 टिकट निजी विद्यालय द्वारा ली जाने वाली फीस से संबंध दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। उपरोक्त विषय पर कार्यालय आदेश दिनांक 12/4/2020, 23/4/2020 तथा 8/5/2020 की निरंतरता में COVID-19 के मद्देनज़र उपभोक्ता संबंध पत्रों के तहत निजी विद्यालय द्वारा ली जाने वाली मासिक शुल्क ट्यूशन फीस के संदर्भ में दिशा निर्देश जारी किए थे, उस पत्रों की निरंतरता में आपको निर्देशित किया गया है कि अपने क्षेत्राधिकार के निजी विद्यालयों में उनकी अनुपालना सुनिश्चित करें। यहाँ पे आप देख सकते हैं निजी विद्यालय मासिक आधार पर वेतन केवल ट्यूशन फीस ही ले, अन्य प्रकार का फंड जैसे बिल्डिंग फंड, पंखे शुल्क, कंप्यूटर शुल्क आदि COVID-19 जैसी असामान्य स्थिति के 10 टिकट स्थगित कर दिए गए हैं। यदि कोई अभिभावक माह अप्रैल तथा मई 2020 की ट्यूशन फीस स्थगित करने का अनुरोध करता है तो स्कूल प्राचार्य द्वारा लॉकडाउन के मद्देनज़र इन अनुरोध को स्वीकार किया जाएगा। इस स्थगित किए जाने वाले अप्रैल और मई 2020 दो माह की बकाया ट्यूशन फीस की आगामी 3 महीने में बराबर किस्तों के आधार पर जमा करवा लिया जाए। ठीक है भाई, तो यहाँ पर दिशा निर्देश दिए हैं स्कूलों को कि आप किसी भी माता पिता या फिर स्कूली बच्चों को सताए नहीं, उसे ये दिशा निर्देश दिए गए हैं, इसके अनुपालना में ही आप ट्यूशन फीस ले भाई। ठीक है, जो भी स्कूल हैं, और अगर आपके स्कूल आपसे निजी स्कूल में आप पढ़ते हैं और इनके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं, इनके अलावा अगर आपसे मांगते हैं स्कूल की फीस तो आप इसके खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हैं भाई। ठीक है, शिक्षा और मौलिक शिक्षा अधिकारी, शिक्षा विभाग इन सभी की फिर कार्रवाई करेगा, बड़ी कार्रवाई इन स्कूलों के खिलाफ। बड़ी खबर थी, आप सभी के साथ शेयर करने वाली थी। उम्मीद करूंगा इस वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। धन्यवाद।